आई एम ज्योति एंड वेलकम टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। लास्ट वीडियोस में हम बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस की, तो आगे बढ़ते हुए उसी का नेक्स्ट पैसिव वॉइस देखते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस की पहचान, तो उससे पहले हम बात करते हैं टेंस के बारे में। टेंस में पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती थी? चुका था, चुके थे, चुकी थी, या मैंने कब कर लिया था, इस टाइप से हम पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट की बात करते थे। अब इसके पैसिव वॉइस में क्या होती है? वही जा चुका था, जा चुके थे, इस टाइप से हम यूज करते हैं, जा लग जाता है। लेकिन फिर से मैं बोलना चाहूंगी गो एंड गॉन वाला नहीं, हमारी जो वॉइस निकलती है ना वो इस टाइप से निकलती है। अब तक तो आपको समझ भी आ गया होगा, जैसे कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते थे, मैंने टेंस में करते थे करता है, ठीक है, करा जाता है, इसी टाइप से जा चुका था, जा चुके थे, जा चुकी थी, ये इसकी पहचान होती है। और आगे स्ट्रक्चर में आपको और भी समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का टेंस में क्या स्ट्रक्चर होता था? सब्जेक्ट, हेड, हेड्स की हेल्पिंग वर्ब होती थी, और परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फोर्थ टेंसेस में भी यूज होती थी, और इसके बाद बचा हुआ पार्ट या ऑब्जेक्ट। तो आइए अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, पैसिव वॉइस की शुरुआत कैसे होती है। ऑब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, ये तो बहुत इजी हो गया, ये तो आप कर ही दोगे। इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होती थी? हैज बीन, बस इसमें हैज और हैड की जगह क्या आता है? हैड। इसमें आपको सिंगुलर प्लूरल भी नहीं देखना, ये उससे भी लगा इजी है लगानी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसमें केवल हैड ही आएगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट से भी इजी हो जाता है, हैड बीन। इसके बाद थर्ड फॉर्म, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें थर्ड फॉर्म आ गई, इसमें नहीं। पैसिव वॉइस का मतलब होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आप लर्न कर लीजिए। और इसके बाद बाय का यूज करते हुए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। बहुत ही बेसिक इस तरह से मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी मेल आई डी पर मुझे विद भी कर सकते हैं, और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। श्याम हैड स्टोलन माय पेन, क्या होगा? श्याम मेरा पेन चुरा चुका था, या श्याम ने मेरा पेन चुरा लिया था, ठीक है। अब मेरा पेन चुरा लिया गया था श्याम के द्वारा, मेरा पेन श्याम के द्वारा चुरा लिया गया था, इसमें फिर से गया की वॉइस आई, तो ये क्या हो गया? पैसे वॉइस। तो चलिए अब ये आप लोग बनाइए। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? माई पेन, तो माई पेन इधर आ गया, और उसके बाद क्या आ गया? हैड बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब मेन वर्ब तो सेम ही रहेगी, स्टोलन, इसमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें भी थर्ड फॉर्म रहती है। इसके बाद मैंने यहाँ क्या लिखा है? बाय का यूज करते हुए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिखा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? श्याम। इसमें कुछ भी पजेसिव ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई नेम है और नेम कभी भी चेंज नहीं होता। तो चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैड फिनिश्ड माय वर्क बिफोर यू केम, अब ये कैसा सेंटेंस है? इसमें हैड भी लग रहा है और इधर पास्ट इंडेफिनिट। याद करिए पास्ट परफेक्ट में ऐसे सेंटेंसेस होते थे बिफोर और आफ्टर वाले, और मैंने आपको ये भी बताया था एक में इसमें पास्ट परफेक्ट का यूज होगा, और आफ्टर में कहां पर पास्ट परफेक्ट का यूज होगा, बिफोर में कहां पास्ट परफेक्ट का यूज होगा, और बाकी बचे हुए सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा। अगर आप ये भूल चुके हैं या फिर आपको ध्यान नहीं आ रहा, तो मेरी वीडियो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट की वीडियो में जाइए, टेंसेस प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है, तो देखिए ना, इसलिए मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रही। अगर आपने टेंसेस अच्छे से लर्न किया है तो आपको ये सब आ गया होगा समझ में, इसलिए मैंने आपसे बोला था पहले आप टेंसेस लर्न कीजिए, इसके बाद ही आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करिए। तो देखिए ये हो गया, मैंने अपना काम फिनिश कर लिया था तुम्हारे आने से पहले, तो इसमें हम पैसिव वॉइस किसका बनाएंगे, बिफोर के बाद का या पहले का? इसमें हम पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, पास्ट परफेक्ट का,
बिफोर का नहीं बनाएंगे, बिफोर एज इट इज आ जाएगा, उसका पैसिव वॉइस मत बना दीजिएगा कि यू केम, तो इसका भी हम पैसिव वॉइस बना दें पास्ट इंडेफिनिट के तरीके से, नहीं कंप्लीटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। आपको मेन से पास्ट परफेक्ट टेंस सिर्फ ये वाला देखना है, आई हैड फिनिश्ड माय वर्क, सिर्फ इतना देखिए, बिफोर यू केम एज इट इज आ जाएगा। देखिए अब आप इतना देखिए, क्या इसमें आपको कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, ये तो आपको समझ भी आ रहा है, बस हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, माय वर्क ऑब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्क हैड बीन, इसके बाद मेन वर्क की थर्ड फॉर्म बाय, अब यहाँ आई है, तो अब तक तो आपको समझ आ गया होगा आई का क्या हो जाएगा, मी। मेरे इंट्रोडक्शन की वीडियो में जाइए, वहां पर मैंने सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव केस कैसे बनाते ये बताया है। जब भी हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं तो अगर वो ऑब्जेक्टिव केस में, तो उसका ऑब्जेक्ट से सब्जेक्टिव केस बन जाएगा, और अगर हम सब्जेक्ट को जैसे यहाँ पर ला रहे हैं ऑब्जेक्ट की जगह, तो हम बाय आई डायरेक्ट नहीं लिख सकते, सबसे पहले उसको ऑब्जेक्टिव केस में या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख रहे हैं। बिफोर यू केम, तो सेंटेंस क्या बन गया, माय वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय मी बिफोर यू केम, मेरा वर्क मेरे द्वारा फिनिश कर लिया गया था तुम्हारे आने से पहले, दोनों का नहीं बनेगा पैसिव वॉइस। तो इस टाइप से आपके हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस। चलिए अब इनमें ही बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो मैं यहां से नेगेटिव लिख देती हूँ, ठीक है, कुछ नहीं है नेगेटिव में, सबको पता है नोट लग जाता है, लेकिन बस क्या कंडीशन, कहाँ पर नोट लगता है, क्योंकि जब दो पार्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है तो उन दोनों के बीच में नोट लगता है, जैसे कि सब्जेक्ट हेड, अब यहाँ पर तो नोट इधर ही लग जाता था, क्योंकि एक पार्ट में हेल्पिंग वर्ब की हेड और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है तो उसमें नॉट का लगाऊं, हैड बी नॉट, नहीं, अब तो आपको लर्न हो गया, अगर से विल नॉट बी ऐसा होता तो ना, ऐसी हैड नॉट बीन, प्रेजेंट परफेक्ट में भी क्या पढ़ा था मैं, हैज नॉट बीन, हैड नॉट बीन, तो फिर यहाँ पर भी हैड नॉट बीन, बस। तो श्याम, अब यहाँ पर मैंने नॉट लगा दिया, तो उसका आप क्या चेंज करोगे, माय पेन हैड नॉट बीन स्टोलन बाय श्याम, आई had not finished my work, तो my work had not। अच्छा, अब आप एक और चीज पूछ रहे होंगे, अगर इसमें भी not हो, नहीं, जब भी हम negative sentences बनाते हैं past perfect में, वो before वाला होता है, after वाला होता है, तो हमेशा first वाले sentences में ही not लगता है, और उसी का ही passive voice बनाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, और interrogative होगा तब भी first वाले sentences में लगेगा, second वाला as it is रहेगा, ये बात आप ध्यान रखें। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल इंटरोगेटिव की, यानी कि जिनका आंसर हम यस और नो में भी देख सकते हैं, तो देखते हैं ये सबसे स्टार्ट कहां से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो एक्टिव पैसिव में जब हम एक्टिव वॉइस यानी टेंसेस में पढ़ते थे पास्ट परफेक्ट को, तो ये हैड से स्टार्ट होते थे, क्योंकि हैड इज की हेल्पिंग वर्ब है, हैड इसके बाद आता था सब्जेक्ट, इसके बाद थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो सेम इसका पैसिव वॉइस में कर देंगे, बस हेल्पिंग वर्ब में वी नॉट लग जाएगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, तो आप इसका अपने आप नहीं, सबसे पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए, हेड, अब हेड भी एक साथ नहीं लगेगा, जब भी दो पार्ट में हेल्पिंग वर्ब होती थी तो वह सब्जेक्ट के बाद उसका सेकेंड वाला पार्ट लगता था, तो इधर कहां पर लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद, तो हेड फिर ऑब्जेक्ट फिर बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय का यूज करते हुए सब्जेक्ट, सिंपल। तो देखते हैं, had he learned his lesson before he went to school, तो इसमें भी before वाला मैंने आपको लिया है, simple भी आप इससे कर ही लोगे, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, before के बाद ये वाला part आपको नहीं देखना, अब तो easy हो जाएगा ना ये, क्या वे अपना lesson learn कर चुका था school जाने से पहले, क्या उसके द्वारा, ठीक है, क्या उसका lesson उसके द्वारा लर्न कर लिया गया था स्कूल जाने से पहले, उसके स्कूल जाने से पहले, तो इसमें तो कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट वाले सेंटेंसेस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो बिफोर ही वेंट टू स्कूल, इसको हम भूल जाते हैं, ये एज इट इज लिख देंगे हम, तो अब तो ये इजी हो गया, सिंपल, ये देखिए, तो बनाते हैं इंटरोगेटिव है तो शुरुआत कहां से करते हैं, हेड से, हेड, इसके बाद उसमें सब्जेक्ट आता था तो उसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, हैड हिज लेसन, ठीक है, यहाँ हिज है तो आप हिज ही करिए, his lesson, इसके बाद be, इसके बाद lunch और इसके बाद
बाय हिम। अच्छा, आजकल लर्न की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लर्नड होती है, तो जनरली हम ईडी यूज करते हैं। ठीक है, मैंने पुरानी वाली यहाँ पर फॉर्म यूज कर दी है, पर दोनों ही सही है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एलई या एनईडी, क्योंकि अब धीरे धीरे वही यूज होती जा रही है। बाहर तो ये यूज होती ही थी, अब यहाँ पर भी इंडिया में यूज होने लगी है। गलत ये भी नहीं है, मैंने पुरानी वाली फॉर्म को यूज कर दिया है। तो देखते हैं, हैड इज लेसन बीन लर्नड बाय। अच्छा, अभी का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ला रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा बाय हिम, बिफोर ही वेंट टू स्कूल एज इट इज। अच्छा, अगर हम इसमें नेगेटिव लगा दें, बहुत डिफिकल्ट काम कर दें, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। नेगेटिव केवल इधर में नहीं, नेगेटिव भी इधर ही लगेगा हमेशा, फर्स्ट वाले सेंटेंसेस में ही। इंटरोगेटिव, नेगेटिव और पैसिव वॉइस, ये सब फर्स्ट सेंटेंसेस में ही होता है। हैड ही नॉट लर्नड हिज लेसन बिफोर ही वेंट टू स्कूल, हैड हिज लेसन, यहाँ सब्जेक्ट के बाद लगता था नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद लगता था नॉट, तो यहाँ पर कहाँ लगेगा? ऑब्जेक्ट के बाद, वही बात हो गई, बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंजिंग हुआ है, बाकी सब वही है। जो चीज सब्जेक्ट के बाद होती थी अब वो ऑब्जेक्ट कही जा रही है, ऑब्जेक्ट पर फोकस ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब ही यही होता है। तो हैड हिज लेसन नॉट बीन लर्नड बाय हिम बिफोर ही वेंट टू स्कूल, सिंपल। अच्छा, अगर हम इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा दें, मतलब डबल इंटरोगेटिव, तो उसका कुछ बदल जाएगा? कुछ भी नहीं बदलेगा, बस इसके आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ लिखा भी है क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड हैड ऑब्जेक्ट बी, ये देखिए बिल्कुल सेम। अगर ये वाला आ गया आपको तो उसमें कुछ भी नहीं है, बस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं डबल इंटरोगेटिव वो आपको आगे लगा देना है। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाई हैड यू नॉट क्लीन द रूम बिफोर द गेस्ट केम, गेस्ट आने से पहले तुमने अपना कमरा साफ क्यों नहीं किया था, तो उसमें क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया? व्हाई। तो हमेशा व्हाई से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद पूरा सिंगल इंटरोगेटिव का रूल फॉलो कर देते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस को हिंदी में देख लीजिए, रूम क्यों नहीं साफ किया गया था तुम्हारे द्वारा। ठीक है, बिफोर द गेस्ट के, इसमें कोई चेंज नहीं करना, इसको हम एज इट इज रख लेंगे। तो रूम तुम्हारे द्वारा साफ क्यों नहीं किया गया था, वॉइस देखिए इसमें जाने की वॉइस आती है, ठीक है, उसमें नहीं आती टेंसेस में, इसमें आती है वॉइस में, पैसिव वॉइस। Why had you not cleaned the room? अच्छा, why? Why is it is लिख दिया। इसके बाद helping verb had, दो पार्ट में है, तो वहां पर जो दो पार्ट में होती थी सब्जेक्ट के बाद में फिर कहूंगी, लेकिन passive voice में कहां लगेगी? ऑब्जेक्ट के बाद। Why had the room? इसके बाद been not cleaned by you, you चेंज नहीं होता, you का subjective और objective के same रहता है। Before the guest के, why had the room not been cleaned by you before the guest came, ये इसका परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नॉट मत लगाना, मैं आपसे फिर कहूंगी सेट के बाद जब भी ऑब्जेक्ट लगाते हैं पहले ही नॉट लग जाता है, ना कि बीन के बाद, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको लगा दिया था। Why had the room not been cleaned by you before the guest came, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है, इधर भी हम नॉट लगाएंगे हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद। Why, एक बार फिर से मैं पढ़ रही हूँ, Why had the room not been cleaned by you before the guest came? आप मुझे बताइए किस किसने यार नॉट पहचान लिया, आपको लगा होगा क्या हो गया, मैम तो हमेशा बताती है, खुद ही भूल गई क्या? नहीं नहीं, मैं भूली नहीं थी, मैंने इधर लिख दिया था जानबूझ के नॉट। एक एग्जाम्पल लेकर पास्ट परफेक्ट टेंस का रिवीजन करते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है एक्टिव वॉइस पे, ये आपकी मैंने प्रैक्टिस के लिए जस्ट एक सेंटेंस लिया है, सिंपल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसको मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पैसिव वॉइस पर कन्वर्ट कर दूंगी, मतलब अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, जितने भी स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में पैसिव वॉइस बनाऊंगी। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, सबसे पहले केवल आप ये मेरा ही हैड किल्ड अ स्नेक केवल अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, ये अभी मत देखिए, इसके बाद खुद ही फोर टाइप्स के स्ट्रक्चर सेंटेंसेस से बनाइए, आप देखिए अगर आपको चारों बना पाते हैं इसका मतलब आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया है। सो स्टूडेंट डोंट ट्राई टू चीट एंड फॉलो माय एडवाइस, ठीक है, सिर्फ ये नोट करिए और इसके बाद मेरी वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद ही चेक करिए आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और नहीं कर रहे, तो वेरी गुड, एक्सीलेंट, कीप इट अप, आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। तो मैं इधर स्टार्ट कर रही हूँ, डोंट ट्राई टू चीट, ओके। ही हैड किल्ड अ स्नेक, अब इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आता है, अ स्नेक, हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब,
किलवाए हिम, यही हमने पढ़ा था अफर्मेटिव में। चलिए, वह एक सांप मार चुका था, उसने एक सांप मार दिया था, एक सांप उसके द्वारा मारा जा चुका था, ये इसकी हिंदी हो गई। अब इसी को नेगेटिव बनाते हैं, एक सांप उसके द्वारा नहीं मारा गया था, तो as they had not been killed by him। अब इसमें not का लगा है had के बाद, और उसके बाद लगा है second part helping verb का, ऐसा नहीं हुआ कि had been not लग गया है, ठीक है। अब इसमें ही सिंगल इंटरोगेटिव हमेशा कहाँ से शुरू होते हैं, स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड। हेड के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो स्नेक आ जाएगा, उसके बाद बचा हुआ पार्ट बीन किल्ड बाय हिम। अच्छा आप बोलोगे लेकिन मैम अगर इसमें नॉट भी लगा दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेड स्नेक हमेशा नॉट कहाँ लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। Why had a snake been killed by him? ये double interrogative है, double interrogative में कुछ नहीं होता, helping verb से पहले बस question word लग जाता है, ठीक है। Why? और अगर इसमें भी हम negative लगा दें, why had a snake not been? तो इस type से आपके खत्म होते हैं past perfect tense। If you have any doubt, please write a comment in my comment box and please subscribe my channel. And don't forget to press bell icon button so that you can never miss any update video. We'll meet you in next session with a different passive voice. Till then, bye bye. Take care.